दोस्तों, आज हम एक डेड मोबाइल के ऊपर बात करेंगे। जो भी कोई मॉडल आपके पास आए, आज हमारे पास है पोको X3 है, जो कि काफ़ी डिमांडेबल सेट है, एकदम फ्रेश है। जब भी कोई आपके पास एक फ़ोन आता है जो कि डेड कंडीशन पे आता है, पहला क्या स्टेप होना चाहिए? विदाउट बैटरी पे चार्जर की फ्लेक्स लगा के पहले देखो कि इस पे कितना करंट कंज्यूम करता है। जब हमने इस पे चार्जर लगाया तो विदाउट बैटरी पे कुछ कंज्यूम नहीं हुआ, बैटरी के साथ भी कुछ कंज्यूम नहीं हुआ, यहाँ से हमारा करंट कुछ भी शो नहीं हुआ। तो इस कंडीशन पे हम क्या मानते हैं कि कहीं से सेटिंग वगैरह हो सकता है? तो बंदे क्या करते हैं कि पोको X3 आ गया तो यहाँ से CPU रिवर मार देते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? हमारा DC पावर सप्लाई। DC पावर सप्लाई रीडिंग और चार्जर का रीडिंग से हम कुछ रिपेयर आगे ले जा सकते हैं। चलो इसको हम पावर की प्रेस करके देखते हैं कि क्या सीन है। जब हमने इस पे पावर की को ट्रिगर कर रहे हैं तो तकरीबन ये 32 mA लेके डाउन मार रहा है, यानी कि जीरो हो रहा है। पावर की को जब हमने प्रेस कर रहे हैं तो ये 32 या 33 mA ले रहा है, उसके बाद ये जीरो हो रहा है। इस कंडीशन पे हमारा टू टाइप का प्रॉब्लम होता है, एक तो CPU रिबल, दूसरा कहीं से शॉर्टिंग। तो यहाँ से जब हमने चार्जर को इंसर्ट किया तो हमने देखा कि कुछ भी करंट कंज्यूम नहीं कर रहा है। जब चार्जर पे हमारी कुछ करंट कंज्यूम नहीं कर रहा है तो शॉर्टिंग कैसेस हो सकता है? मान के चलो शॉर्टिंग कैसेस हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ से हमने थोड़ा सा आई स्कैन करेंगे, कहीं से भी कुछ भी काम नहीं हुआ है। ऊपर का जो पावर IC के ऊपर का जो कॉपर का जो प्लेट है उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम चेक करेंगे इस पे VPS बन रहा है कि नहीं। VPS बनने वाला IC कौन है? PM7150, PM7150 जो हमारा पावर IC लगा है वो हमारा VPS प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ से हमने चार्जर की फ्लेक्स को लगाएंगे, उसके बाद चेक करेंगे यहाँ से VPS बन रहा है कि नहीं, पहले चेक करेंगे, क्योंकि VPS नहीं बनेगा तो आगे का सीन हम मतलब तो यहाँ से तो रुक जाएंगे। VPS बराबर बन रहा है, यहाँ से VPS पे कोई इशू नहीं है। सेकंड हमारा बक बक नहीं बन रहा है। क्वालकॉम की चिपसेट पे ओनली चार्जर लगा के सब कुछ चेक हो सकता है। तो यहाँ से सेकंड बक पे नहीं है, जो कि हाई LDO हो सकता है। इस पे भी नहीं है, इस पे भी नहीं है। तो मान के चलो यहाँ से VPS आउटपुट हो रहा है, बग जनरेट नहीं हो रहा है। कंप्लीटली मदरबोर्ड को थोड़ा अच्छी तरह से चेक कर लेंगे, क्योंकि हमें ये वीडियो बनाने का मकसद है एक डेड मोबाइल के ऊपर किस तरह से ट्रेसिंग किया जाएगा। आपके पास एक डेड मोबाइल आता है, जो भी कोई मॉडल, तो आप पहले स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप क्या होना चाहिए? पहले हमने VPS चेक किया, सेकंड हमने बक चेक किया। बक पे हमने देखा कि कुछ भी वोल्टेज नहीं बन रहा है। जब इस कंडीशन पे आपके पास एक फोन आता है तो आप तुरंत क्या करते हैं कि बंदे क्या करते हैं कि इसको तुरंत चले जाते हैं कि CPU रिबल मार दो। पोको X3 आ गया तो ये CPU से मसला हो सकता है, CPU रिबल मार दो। लेकिन CPU रिबल तो हम करेंगे, मना नहीं करेंगे कि यहाँ से CPU रिबल भी हो सकता है, ऐसा बोल नहीं सकते। तो CPU रिबल हम भी करेंगे, आप भी करते हैं, लेकिन CPU रिबल होने के बाद जब सक्सेस नहीं मिलता है ना, तो खुद को कुछ खराब लगता है, खुद को गिल्टी फील होता है। अरे बाहर से कुछ फॉल्ट था, मैंने CPU को रिबल मार दिया। CPU रिबल बड़ा बात नहीं है दोस्तों, फॉल्ट को ट्रेसिंग करके फाउंड करना सबसे बड़ा बात है। ये तो बोर्ड आप देख रही है कि पूरा फ्रेश है, इसीलिए मैंने इसका सील को किस तरह से ओपन कर रहा हूँ। मेरे पास काफ़ी दर फोन आते हैं जो कि सील वगैरह उखड़ा हुआ है, तो यहाँ से मैं सील को, मेरे पास सारी के सारी फ़ोन को मैं इस तरह से ओपन करता हूँ, ऐसा नहीं बोलता हूँ। कभी कभी टाइम इतना भी नहीं मिलता है तो हम कटर से भी ओपन करते हैं। तो कटर से ओपन करने से ये जो तरीका, मैंने 270 टेम्परेचर, 280 टेम्परेचर में इसको ओपन कर रहा हूँ, तो ये तरीका मेरे को अच्छा लग रहा है। तो सील मैंने यहाँ से ओपन कर लिया। सील ओपन करने के बाद हम यहाँ से जितने भी बक है वो सबका GR लेंगे, क्योंकि किसी बक पे हमारा सप्लाई नहीं बन रहा था।
जब यहाँ से सेकेंडरी पावर और मेन पावर के पास कुछ हमको बक मिल रहा है, जो बक हमारा सीपीयू के पास कुछ जाते हैं, कुछ हाई एलडीओ कुछ लो एलडीओ बनाता है। तो यहाँ से जितने भी बक है वो बक सबका यहाँ से हम पहले जीआर लेंगे, और बक जीआर लेने के बाद हमको पता चल जाएगा कि एक्चुअली सीन क्या है। पहले हमने देखा कि वीपीएस बन रहा था, बक नहीं बन रहा था। तो ये फास्ट बक हो गया हमारा हाई एलडीओ 2.0, जो कि बराबर जीआर ओके है। इस पे भी हमारा जीआर ओके है, इस बग पे भी हमारा जीआर ओके है, जो कि मेन पीएम से ये आउटपुट हो रहा है। इस पे भी हमारा 94 की जीआर आ रहा है, कोई इशू नहीं। इस पे भी 27 ओम्स का, 28 ओम्स का जीआर आ रहा है। तो यहाँ से जो जीआर आ रहा है दोस्तों, 5 ओम से नीचे जो जीआर आएगा उसको हम कुछ बोल सकते हैं, उससे आगे जो जीआर आएगा उस पे फोन आराम से चल सकता है, क्योंकि 0.8 और 0.6 की वोल्टेज पे हमारा लो ओम्स की रीडिंग से आता है, जो कि 50 ओम से बिलो रहता है। तो यहाँ से सेकेंडरी पावर के पास जाएंगे, सेकेंडरी पावर के पास हम देखेंगे कि बक के ये बीओबी का कॉयल है, बक और बूस्ट, जो कि इसके पास जीआर सही है। इसका आउटपुट को थोड़ा सा देखते हैं, इसका आउटपुट भी सही है। ये सेकंड बक हो गया, ये बक पे भी 74 का आ रहा है, ये भी सही है। इस बक पे 43 का जो शॉट मिल रहा है ये भी सही है, ये 44 का शॉट मिल रहा है ये भी सही है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से एक बक मिला, जो कि इस बक पे हमको क्या मिला, अभी दोबारा चेक करेंगे, पूरे 0-0 मिला। तो ये बक पे हमको डाउट चला गया, 0.1, 0.8, 0.8, इस पे हमारी डाउट नहीं है, इस पे 149। जो बक पे हमको डाउट मिला क्या, इस पे देखिए, इस बक पे हमारी क्या है कि पूरा 0-0 है। इस कंडीशन पे हम मानते हैं कि सीपीयू शॉर्ट हो गया। तो ये जो बक है, ये बक हमारा किसके लिए लगता है, इसका काम क्या है, थोड़ा सा हम बोर्नियो की सहायता से अभी चेक करेंगे। पहले हम पोको X3 का बीट मैप को फाउंड करेंगे। बीट मैप पे हम देखेंगे कि ये जो लाइन है ये क्या लाइन है। जब हमारे पास एक स्कीमाटिक हो तो उससे बड़ा कोई नहीं है। मेरे दिल से मैं बोर्नियो को थैंक्स देता हूँ, क्योंकि इतना सारा अपडेट हमको दे रही है, जो कि हमको काम करने से बहुत आसान होता है। तो यहाँ से जो बक हमारा शॉर्टिंग मिल रहा है, वो बक को चेक करेंगे, वो बक की लाइन क्या है, और जो सीपीयू के पास इसका काम क्या है। ये स्विचिंग का लाइन है, बता रहा है कि S4C, ये जो बक है S4C 0.8 का सप्लाई है, जो कि सीपीयू को दिया जा रहा है। चलो हम ये लाइन को कम्प्लीटली देखते हैं कि ये इसका काम क्या है मदरबोर्ड के, मतलब ये सीपीयू को जो वोल्टेज दिया जा रहा है वो किसके लिए दिया जा रहा है। तो हमने स्कीमेटिक और लेआउट को ओपन कर लिए। अब हम लेआउट के पास जाके वो जो कॉयल हमारा लगा है वो कॉयल को हम थोड़ा सा सर्च करेंगे। कॉयल हमारा क्या लगा है, 2104, इसको हम सर्च करेंगे। ये स्विचिंग का लाइन हो गया, इसका आउटपुट को जाते हैं। वीरेज S4C 0.7 वोल्ट बता रहा है, जो कि 0.8 का वोल्टेज है। ये जा रहा है हमारा सीपीयू के पास एपीसी के लिए, वोल्टेज डिवाइडेड एपीसी के लिए, यानी कि एप्लीकेशन प्रोसेसर कोर के लिए। जो एपीसी होता है, एप्लीकेशन प्रोसेसर कोर के लिए हमारा कोर की सप्लाई 0.8 वोल्ट सीपीयू को दिया जा रहा है, जो कि हमारा एप्लीकेशन चलाने के लिए। तो यहाँ से एप्लीकेशन प्रोसेसर की कोर की जो सप्लाई सीपीयू को दिया जा रहा है, यहाँ से ये पूरा कम्प्लीटली शॉर्ट हमको मिला, जो कि हमारी कंफर्मेशन के लिए हम वो कॉयल को ओपन कर रहे हैं। ये कॉयल को ओपन करने के बाद हम चेक करेंगे कि पावर सेक्शन से हमारा शॉर्ट है, पावर साइड से, या फिर हमारा सीपीयू साइड से। तो दोनों तरफ से हमको पता चल जाए कि सीपीयू के साइड पे हमारा शॉर्ट है या फिर पावर की तरफ से शॉर्ट है, क्योंकि पावर की तरफ से अगर शॉर्ट मिला तो हम पावर चेंज करेंगे, अगर सीपीयू के साइड पे शॉर्ट मिला तो सीपीयू को रिबल करेंगे, या फिर सीपीयू शॉर्ट निकला तो ये अनसक्सेस का एक वीडियो हो जाएगा। तो यहाँ से मल्टीमीटर को थोड़ा सा हम शो कर देते हैं, पहले हमने मल्टीमीटर को शो नहीं किया था। ये देखिए सीपीयू के साइड पूरा 0-0 आ गया।
और इस साइड हमारा रीडिंग तकरीबन 360 करीब जिस तरह से विदाउट बक पे आना चाहिए वो आ रहा है। तो यहाँ से हम श्योर हो गए कि ये बक लाइन जो एपीसी का जो लाइन है, एप्लीकेशन प्रोसेसर कोर का जो लाइन है, सीपीयू के साइड पे हमारा शॉर्ट निकला। यहाँ से बक कॉइल को हमने पेस्ट कर दिया है, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किए क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो चुका है, तो इसीलिए थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड हम यहाँ से करेंगे और सीपीयू रिबल की प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हमने क्विक 857 यानी कि 857DW+ यूज़ कर रही है और हमारा टेम्परेचर रहेगा यहाँ से 340 और एयर रहेगा 2। यहाँ से हम सीपीयू को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद हम इसको पेस्ट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि वो जो हमारा शॉर्ट था वो शॉर्ट कितने ओम्स का शॉर्ट बता रहा है। तकरीबन 10 ओम से अगर ज़्यादा उसका शॉर्ट चला जाएगा तो फोन ऑन हो जाएगा मेरे नॉलेज के हिसाब से। तो चलिए यहाँ से थोड़ा सा सीपीयू वगैरह का काम कर लेते हैं, उसके बाद फिर आते हैं।
तो यहाँ से हमने सीपीयू को तो पेस्ट कर लिया है, अब हम चेक करेंगे। ये देखिए दोस्तों, इस पे 15 ओम्स की सेटिंग आ रहा है, यानी कि ये लाइन मेरे को लग रहा है कि कम्प्लीटली ओके है। फिर भी हमारा कॉन्फर्मेशन के लिए हम यहाँ से अभी चार्जर को लगा के इस पे चेक करेंगे कि इसका बक आउटपुट हो गया या नहीं हुआ। कभी कभी हमने देखा है कि बहुत टाइम पे सीपीयू का लाइन पूरा शॉर्ट बता रहा है, लेकिन सीपीयू रिबल के बाद सही हो जाता है। उसके बाद वो जो लाइन होता है, एप्लीकेशन प्रोसेसर कोर हो या फिर 0.8 का वोल्टेज हो, वो कभी कभी इस तरह से बताता है। ये देखिए, ये 0.8 की वोल्टेज यहाँ से स्टेबल भी हो चुका है, विदाउट बैटरी पे स्टेबल भी हो चुका है, और ये लग रहा है कि सेट जैसा ऑन हो गया। ये देखिए, आपके सामने पर ही मैंने इसी माइक्रोस्कोप से ही ऑन किया, जो कि दूसरे माइक्रोस्कोप को नहीं लिया, इसीलिए क्योंकि आपका कॉन्फर्मेशन मेरा मन पे जो है आप तक पहुंच जाए। तो पोको लोगो आ गया और ये मेरे हिसाब से बराबर पूरा ऑन हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों, इस वीडियो के जरिए आपको कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर मिलता होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे एक अच्छे वाले टॉपिक के साथ।